हाय वेलकम टू प्री मार्केट रिपोर्ट। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कल यानी 16 सितंबर को मार्केट में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं एंड आज मार्केट में क्या हुआ था। अगर चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हर दिन आपको यहाँ पर प्री मार्केट वीडियोस मिलता है एंड और भी बहुत सारे यूज़फुल वीडियोस एंड प्लेलिस्ट अवेलेबल है। सो अगर आज की बात करें यानी 15 सितंबर, सेंसेक्स 412 पॉइंट नीचे आकर बंद हुआ 0.68%। निफ्टी 50 126 पॉइंट्स नीचे आकर बंद हुआ। बैंक निफ्टी की बात करें तो 196 पॉइंट नीचे आकर बंद हुआ। वहीं अगर निफ्टी मिड कैप की बात करें तो 123 पॉइंट्स ऊपर जाकर बंद हुआ निफ्टी मिड कैप। अगर आप निफ्टी 50 के ग्राफ को देख रहे हो तो इसकी ओपनिंग पॉजिटिव में थी। प्रीवियस क्लोज 18,003 का था बट आज की ओपनिंग 18,046 की थी एंड स्टार्टिंग के 15 मिनट्स आपको पॉजिटिव मूवमेंट भी देखने को मिले, इसलिए आपको ग्राफ में डिफरेंस दिख रहा होगा प्रीवियस क्लोज एंड आज के ओपनिंग के बीच। बट उसके बाद हाफ सेशन तक आप नेगेटिव मूवमेंट देखोगे, फिर थोड़ा रिकवरी देखने को भी मिला। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो सेम आपको ग्राफ देखने को मिलेगा जैसा कि निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स का है। हाँ, स्टार्टिंग में आपको तेज मूवमेंट देखने को मिलेगी निफ्टी के कंपेरिजन में एंड मैंने कल भी कहा था कि हो सकता है नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिले मार्केट में एंड वैसा ही हुआ क्योंकि पूरे वीक हमें पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिले थे। बट अब कल क्या हो सकता है यानी फ्राइडे को क्या होगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग डे है। अब नए वीक के फर्स्ट डे को क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस पर बात करते हैं। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, मैं बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट प्लेलिस्ट में कुछ और वीडियोस ऐड करना चाहता हूँ। जिस भी टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम हो, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाला हुआ है, सिंपली आप उस पर जाके कमेंट कर सकते हो। जिस भी टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम है मैं उस टॉपिक पर वीडियोज़ बना दूंगा एंड आई रियली सजेस्ट कि आप एक बार ज़रूर से सारे प्लेलिस्ट चेक कर लो क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। सो कल के दिन यानी फ्राइडे के दिन हमें क्या करना है। देखो, पिछले एक वीक का अगर आप देखोगे मैंने टिक लगाया, ये प्रीवियस थर्सडे का ग्राफ है। उसके बाद अगर आप देखोगे लगातार पॉजिटिव मूवमेंट्स देखने को मिले थे, तो आज के एक्सपायरी डे का जो नेगेटिव मूवमेंट था उसको हम इतना सीरियसली नहीं ले सकते कि मार्केट हम थोड़ा नेगेटिव मूवमेंट शो करेगा। लेकिन कल के दिन अगर नेगेटिव स्टार्ट करता है मार्केट तो आप ऑब्वियसली पुट बाई कर सकते हो एंड अगर आप कॉल बाई करने को देख रहे हो तो उसके लिए थोड़ा वेट करना। कल हम पुट तभी बाई करेंगे जब हमें नेगेटिव स्टार्ट मिलता है एंड 15 मिनट्स का कम से कम एक कैंडल क्लोज हो जाए नेगेटिव में, उसके बाद हम अपना पुट में पोजीशन बना सकते हैं। एंड एक बात याद रखना, स्टॉप लॉस लगा कर रखना क्योंकि कल फ्राइडे है, प्रीमियम के दाम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर आपको लॉस होगा तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ज़्यादातर फ्राइडे को ट्रेड करना अवॉइड करता हूं क्योंकि उस दिन प्रीमियम के दाम बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड अगर आप कल कॉल बाई करने को देखोगे यानी अगर मार्केट की ओपनिंग कल पॉजिटिव होती है एंड लगातार मार्केट ऊपर ही जा रहा है, निफ्टी 50 हो या बैंक निफ्टी, तो निफ्टी 50 में ट्रेड करने से पहले आप थोड़ा वेट कर लेना क्योंकि आज बहुत बड़ा नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिला है निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के भी अंदर। एंड क्योंकि पिछले एक वीक से लगातार पॉजिटिव मूवमेंट थे तो हो सकता है थोड़ा रिकवर करे मार्केट। लेकिन कल अगर मार्केट के अंदर पॉजिटिव ओपनिंग होती है एंड हमें कॉल लेना पड़े क्योंकि हम ट्रेडर हैं, चाहे ऊपर जाए मार्केट या नीचे जाए हमें प्रॉफिट बनाने से मतलब है, तो हम बिल्कुल कॉल की पोजीशन भी बना लेंगे। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है आपको, कॉल की पोजीशन में स्टॉप लॉस लेकर चलना है एंड अगर 17,950 को क्रॉस करता है तब थोड़ा आप माइंड फ्री कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कल अगर मार्केट ऊपर जाएगा भी तो वन साइडेड मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, वापस पुल बैक आएगा एक बार नीचे की तरफ। इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप कल के दिन वेट करना एंड अच्छा ट्रेड लेना क्योंकि अगर आप देखोगे हर दिन आप ट्रेड करो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको ट्राई करना है कितना आप अपना लॉसेस को कम कर सको। अगर आप ऐसा करते हो तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो ज़बरदस्ती की ट्रेड नहीं लेनी, अगर पोजीशन बनेगा तभी ट्रेड लेना है। सो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर एक पोस्ट डाल दिया, अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, उस पोस्ट पर भी जाकर आप कमेंट कर सकते हो। मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊँगा जिस भी टॉपिक पर ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होगा। सो आज इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।